हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं कैमरा टेस्टिंग कर रहा हूँ एक नए स्मार्टफोन की जो है टेक्नो कैमॉन 17 प्रो। सो टेक्नो का ये पहला स्मार्टफोन है टेक्निकली जो मैं अपने चैनल पे जिसका कैमरा टेस्टिंग कर रहा हूँ। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी हाउ दिस स्मार्टफोन कैमरा परफॉर्म्स। और अभी आधे घंटे से बारिश हो रही थी तो मैं शूट नहीं कर पा रहा था। फाइनली बहुत बढ़िया मौसम हो चुका है, आसपास ग्रीनरी दिख रही होगी, पीछे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, तो काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे शूट करने के लिए एंड टू सी कि कैसा परफॉर्मेंस आता है स्मार्टफोन का। और अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो टेक्नो कैमॉन 17 प्रो के फ्रंट कैमरा से ही है। एंड द गुड थिंग इज़ कि इसमें 4K फ्रंट कैमरा है जो ऑलमोस्ट इसके डबल वैल्यू के स्मार्टफोन्स में भी अभी तक 1080p ही ऑप्शन है। सो दैट्स अ गुड थिंग। स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड लेट्स टेस्ट आउट मोर फीचर्स। अब वीडियो मोड में फ्रंट कैमरा में काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड्स मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहला है अल्ट्रा स्टेडी ऑन। अब अल्ट्रा स्टेडी ऑन में अगर मैं वॉक करते हुए व्लॉग कर रहा हूँ काफ़ी डिफरेंस लग रहा है मुझे क्वालिटी में। जस्ट दैट केस मोड में द मैक्सिमम यू कैन गो इज 1080p जो हर एक स्मार्टफोन में मैंने अभी तक देखा है। तो अभी जो आप ये सैम्पल देख रहे हो अल्ट्रा स्टेडी ऑफ के साथ है एंड आई कैन ऑलरेडी सी थोड़ा सा माइनर शेक आ रहा है जब मैं चलते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार ऑन करके देखते हैं अल्ट्रा स्टेडी एंड लेट्स सी द डिफरेंस। अब ये वाला फुटेज अल्ट्रा स्टेडी ऑन के साथ है एंड मैंने अभी सैम्पल जितना देखा है इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब। मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ऑफ मोड के साथ कंपेयर करने में। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है। देन उसके बाद एक ये मोड है बोके इफेक्ट। सो अभी बोके इफेक्ट एनेबल हो चुका है। सो ये है सैंपल विद बोके इफेक्ट इन वीडियो और अभी ये 1080p पे है विच इज़ जैसे मैंने बताया बहुत प्लस पॉइंट है। और पीछे मेरे पूरा ग्रीनरी है तो आपको हेज डिटेक्शन दिख जाएगा। अभी प्रीव्यू में देखने में तो सही लग रहा है, बाकी आप लोग अच्छे से जज कर सकते हो। आई थिंक पीछे जो मेरे पूरा मॉन्यूमेंट है दैट इज़ आउट ऑफ फोकस विद दैट बोके इफेक्ट जो काफ़ी सही लग रहा है। अब सबसे पहले कैमरा टेस्टिंग में यहाँ पे HDR मोड है, एक बार देख लेते हैं ऑन एंड ऑफ में क्या डिफरेंस आता है बिकॉज मैंने देखा काफ़ी फोन्स में देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। सो लेट्स चेक इट आउट कि इस स्मार्टफोन में HDR कैसे काम कर रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड फ्रेम टू टेस्ट। सो फर्स्ट लुक में तो HDR काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है बिकॉज स्पेशली आप क्लाउड्स के एरिया में देखोगे काफ़ी डिटेल्स रिटेन की गई हैं जो बहुत से केसेज में मैं देखता हूँ नहीं होता कहीं स्मार्टफोन में। दिस पर्टिकुलर मॉडल इज़ एक्चुअली डूइंग अ गुड वर्क। तो अभी यहाँ पे एकदम पूरा लो लाइट सिचुएशन है, अंदर एकदम डार्कनेस है, इस तरह से विंडोज़ के थ्रू लाइट आ रही है। तो यहाँ पे कुछ लो लाइट सैंपल्स लेके देखता हूँ एंड लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है। बाय द वे अभी भी ये रियर कैमरा 4K में शूट हो रहा है तो एकदम डिम लाइट सिचुएशन है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लो लाइट में इसका वीडियो परफॉर्मेंस कैसा है। सो अभी इधर मैं कुछ फ़ोटोज़ ले रहा था तो डायनामिक रेंज बहुत अच्छा है बिकॉज यहाँ पे पूरा शेडो है, पीछे एकदम ब्राइट स्काई है एंड मिड टोन्स में यहाँ पे मॉन्यूमेंट है। तो एक फ्रेम लेके देते हैं कुछ इस तरह का एंड लेट्स सी कैसा डायनामिक रेंज आता है। अभी है सैम्पल 4K एट 30 FPS का स्टैंडर्ड कैमरा। ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड में ऑप्शन नहीं है जस्ट लाइक एनी अदर फोन इन दिस बजट। सो दिस इज़ हाउ 4K लुक्स लाइक। मैं एक बार पैन कर रहा हूँ सो दैट आपको एक्सपोजर चेंज का भी यूल गेट अ फेयर आइडिया हाउ इट डज व्हेन आई चेंज द फ्रेम। अभी कंपैरिजन के लिए ये अल्ट्रा वाइड एंगल पे वीडियो है 1080p पे। सो दिस इज़ हाउ अल्ट्रा वाइड एंगल लुक्स लाइक। आपको कलर्स का आइडिया लग जाएगा, एक्सपोजर अभी काफ़ी अच्छे से हैंडल हो रहा है एक्सपोजर अगर मैं ब्राइट पार्ट पे भी जाऊँ देन डार्क पे आऊँ। सो आई थिंक इट्स डूइंग अ गुड जॉब विद दी एक्सपोजर। बाकी फोकसिंग में मुझे लग रहा है हल्का सा ये डिले कर रहा है हंट करने में। बाय द वे जो हम अभी अंदर शूट कर रहे थे दिस वॉज ईसा खान टूम मेड समवॉट अराउंड 1547 AD। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ अरब की सराय गेटवे। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सैंपल्स निकलते हैं लाइक इस तरह का कुछ शॉट और अंदर भी वाइड एंगल का एक इस तरह का कुछ फ्रेम है। कुछ लेते हैं और शॉट्स एंड लेट्स सी। सो ये
है इंटरफेस टेक्नो कैमॉन 17 प्रो का इन फोटो मोड, आपको यहाँ AI कैमरा लिखा हुआ दिख जाएगा। सो अभी ये स्टैंडर्ड कैमरा है 1x, मैं स्विच कर सकता हूँ अल्ट्रा वाइड पे। सो ये है अल्ट्रा वाइड का एंगल ऑफ व्यू जो काफ़ी वाइड है। देन 2x का भी ऑप्शन है मेरे पास, सो आई कैन गो 2x विच इज़ डिजिटल जूम, एंड मैं अभी आपको कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगा। और लास्ट में ऑप्शन है मैक्रो का, तो मैक्रो का मैं आपको कुछ सैम्पल दिखाता हूँ पहले, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो यहाँ पे मैं मैक्रो वीडियो अभी टेस्ट कर रहा हूँ जो इसका वाइड एंगल प्लस मैक्रो कैमरा है। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे वी हैव वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट ओवर हियर, लेट्स सी कितना पास जा सकते हैं। सो या आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ, और काफ़ी पास है एक्चुअली, मैं आपको अभी पीछे जाके दिखाऊंगा कितना दूर है। ग्रेट, सो अगर मैं पीछे जाऊं एक्चुअली इतना स्केल था, सो आई थिंक इट्स डूइंग अ गुड जॉब। सो आज एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे पानी है, नॉर्मली कई बार पानी नहीं होता। सो आप जैसे देख रहे हो कितना बढ़िया फ्रेम आ रहा है विद रिफ्लेक्शन। सो दिस इज़ ऑल्सो अ टिप फॉर यू गाइज, अगर आपको कहीं रिफ्लेक्शन दिखे ट्राई करो सिमेट्रिकल बनाओ। बेसिकली ये जो ऐसा होना चाहिए इमेज, आधी इस तरह की जो साइड है उसका मिरर दिखे और साथ में रिफ्लेक्शन आ जाए। तो कुछ शॉट लेते हैं स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड और दिखा दूं मैं आपको। सो फाइनली अब मैं हुमायूं टॉम आ चुका हूँ, पीछे आपको दिख रहा होगा, और ये एक बहुत बढ़िया फ्रेम है जहाँ से बेसिकली मैं पूरा वाइड एंगल कैप्चर कर सकता हूँ। एंड एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि इस स्मार्टफोन में मुझे वीडियो और फोटो दोनों में अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे ना इस तरह से ये आप देख रहे हो एकदम सेंटर में फ्रेम बन रहा है, तो मैं कुछ ये फ्रेम सोच रहा हूँ और यहाँ से थोड़ी बर्ड्स आएंगी और बहुत सिमेट्रिकल बनेगा। तो लेते हैं कुछ, अरे यार इतना बढ़िया फ्रेम मिस हो गया, लेट मी क्लिक फोटोज़। ओके, सो अब फाइनली इसका ज़रा 64 मेगापिक्सल कैमरा ट्राई करते हैं। उसके लिए आपको अल्ट्रा HD मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन है। तो एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं लाइक नॉर्मल जो 16 मेगापिक्सल है वैसे 64, एंड लेट्स सी द डिफरेंस। सो यहाँ पे काफ़ी कलरफुल से फ्लावर्स हैं, आसपास काफ़ी ग्रीनरी है, तो कुछ पोर्ट्रेट मोड भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा आते हैं सैम्पल्स। अब यहाँ पे कुछ पत्तों पे ना वाटर ड्रॉप्स पड़े हुए हैं, तो मुझे लग रहा है ये मैक्रो मोड यूज़ करने का सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है। तो इसका मैक्रो भी टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स सी कितने पास जा सकते हैं। काफ़ी क्लोज है, आई थिंक दिस लुक्स गुड, एक बार एक्सपोजर लेके। सो अभी जो मैंने मैक्रो के सैंपल्स लिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, रिजल्ट एक्चुअली बहुत बढ़िया आया है। और उसका रीज़न ये है कि इसका जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है वही एज अ मैक्रो काम कर रहा है, रादर देन अ डेडिकेटेड 2 मेगापिक्सल का जो काफ़ी फ़ोन में आता है। अब इस फ़ोन में मुझे एक बहुत बढ़िया सेटिंग लगी जो मैंने आज तक आई थिंक किसी स्मार्टफोन में नहीं देखी है, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर एज अ शटर। अब अगर मैं इसको एनेबल करके फोटो लेता हूँ तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि लेट्स सपोज मैंने इस तरह से फ़ोन पकड़ा और मुझे एक हाथ से ही फोकस करना है, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे ये जो सेंसर है फिंगरप्रिंट वाला, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ एज अ शटर बटन, ये देखना। सो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं जस्ट अपने सेंसर पे अपना थंब रख के इसको एज अ शटर रिलीज यूज़ कर पा रहा हूँ। एंड टेक्नो कैमॉन 17 प्रो में एक ये बहुत सही मोड है विच इज़ फिल्म। आपको यहाँ पे काफ़ी प्रीसेट मिल जाते हैं जिसको यूज़ करके आप बहुत सही व्लॉग बना सकते हो, मैं एक सैम्पल लेके दिखाता हूँ आपको। सो नाउ आई एम होम और मैंने आराम से सारे फोटो और वीडियो के सैम्पल्स देखे हैं ऑफ टेक्नो कैमॉन 17 प्रो, और मेरे इनिशियल व्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो आई थिंक ऑल ओवर कैमरा परफॉर्मेंस काफी प्रॉमिसिंग लगा मुझे। स्टैंडर्ड कैमरा इज वेरी शार्प, डिटेलिंग बहुत अच्छी है, कलर एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है, अल्ट्रा वाइड इज ऑल्सो डूइंग गुड एज पर द बजट, और मैक्रो शॉट्स मुझे काफी अच्छे लगे। और ये चीज बहुत बढ़िया कि अल्ट्रा वाइड कैमरा ही मैक्रो कैमरा भी है और आपको 8 मेगापिक्सल के मैक्रो शॉट्स मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट पोर्ट्रेट, टू माई सरप्राइज एज डिटेक्शन बहुत बढ़िया था और काफी अच्छी डिटेलिंग मुझे लगी। तो ऑल ओवर आई थिंक काफी प्रॉमिसिंग स्मार्टफोन कैमरा है। बाकी आप लोग कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताना, एंड इफ यू इंटरेस्टेड इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।